हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर से आपके एक बार डिजिटल टीचिंग में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, पिछला वीडियो में मैं बताया था पोको X2 का हार्ड रीसेट कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को काफ़ी सारा प्रॉब्लम आ रहा था हार्ड रीसेट करने के बाद, किन्हीं का पासवर्ड भूल चुके हैं, कोई जीमेल आईडी भूल चुके हैं। तो फ्रेंड्स, घबराने की कोई बात नहीं है, आज के इस वीडियो में मैं बता दूंगा किस तरीके से गूगल अकाउंट को आप रिमूव कर सकते हैं आप अपने फ़ोन से। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे आप लोग न्यू आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले आपको वो पेज में जाना है जो रिबूट होने के बाद सबसे पहले MIUI 11 वाला जो पेज है ना, उसमें उसका दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट करना है। यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर देना है, यहाँ पे मैं इंग्लिश कर दिया हूँ। और यहाँ पे दोस्तों रीजन सेलेक्ट कर दीजिए, मैं इंडिया से हूँ, इंडिया सेलेक्ट कर दिया हूँ। और दोस्तों यहाँ पे देखिए वाईफाई लेना है, तो दोस्तों आपके पास अगर कोई एक्स्ट्रा फ़ोन है उसका हॉटस्पॉट ऑन करके वाईफाई ले लीजिए, नहीं तो कहीं से भी वाईफाई कनेक्ट करके यहाँ पे दोस्तों आपको वाईफाई कनेक्ट कर लेना है फ़ोन में। ओके, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको आगे पीछे कहीं नहीं जाना है। यहाँ पे देखिए टर्म एंड ऑल कंडीशन कर लीजिए और दोस्तों यहाँ पे बैक कर दीजिए। ओके, बैक करने के बाद जो वाईफाई वाला पेज है ना, यहाँ पे देखिए ऐड नेटवर्क करके एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको ऐड नेटवर्क पे क्लिक करना है। और यहाँ पे SSID करके जो है ना ऑप्शन, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको www.youtube.com टाइप करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ, ये देखिए, तो यहाँ पे मैं टाइप कर चुका हूँ। ये देखिए मैं जूम करके आपको दिखा दे रहा हूँ मैं क्या टाइप किया हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख पा रहे हैं www.youtube.com मैं टाइप कर दिया हूँ। बस आपको यहाँ पे टैब एंड होल्ड करना है, पूरा ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऊपर में आपको सेकेंड ऑप्शन लिंक का मिल जाएगा, इस पर टैप करते ही आपको यूट्यूब ओपन हो जाएगा। और यूट्यूब ओपन होने के बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ओके करना है। ऊपर आपको प्रोफाइल वाले आइकन पर क्लिक करना है, सेटिंग में जाना है। और सेटिंग में हिस्ट्री एंड प्राइवेसी का ऑप्शन मिल जाएगा। और सबसे नीचे दोस्तों यहाँ पे यूट्यूब टर्म ऑफ सर्विस है, इसे टैप करते यहाँ पे ब्राउजर का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ ब्राउजर ओपन कर लीजिए। ब्राउजर ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक्सेप्ट एंड एग्री कर दीजिए। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो सर्च वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आपको टाइप करना है ये लिंक जो डिस्प्ले पे हो रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं टाइप कर चुका हूँ, अभी दोस्तों यहाँ पे सिंपली सर्च करना है। तो यहाँ पे मैं सर्च वाला बटन पे प्रेस करता हूँ, ये देखिए सर्च हो रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक FRP फाइल करके एक पेज ओपन होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ से आपको दो एप्लीकेशन बस आपको इंस्टॉल करना है। ओके, तो जो पहला है वो यहाँ पे देखिए एंड्रॉयड 8 APK करके जो है उसे आपको इंस्टॉल करना है। यहाँ पे टैप करते ही अलाउ कर देना है, अलाउ करने का दोस्तों डाउनलोड मांगेगा, यहाँ पे ओके कर देना है। और यहाँ पे दोस्तों ये डाउनलोड हो जाएगा, ऐड वगैरह आएगा तो इसे कट कर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है और इसे अभी डाउनलोड होने देते हैं, वेट करते हैं। और यहाँ पे आपको अगर चेक करना है तो यहाँ पे देखिए इसे कट कीजिए और यहाँ पे 3 लाइन जो है इसे टैप कीजिए, मैनेज डाउनलोड है, इस पर टैप कीजिएगा, ये देखिए डाउनलोड हो चुका है। ओके, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए FRP 1.0 APK है, इसे भी टैप कीजिए और यहाँ पे ओके करके इसे डाउनलोड कर लीजिए। तो मैं फिर से ये 3 लाइन पर क्लिक करता हूँ, मैनेज डाउनलोड में जाता हूँ और यहाँ देखिए दोस्तों दोनों इंस्टॉल हो चुका है, सॉरी डाउनलोड हो चुका है। तो सबसे पहले वाला को ओपन करेंगे और दोस्तों यहाँ पे अननोन सोर्स को ऑन कर देंगे और यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। ओके, इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे अलाउ मांगेंगे, अलाउ दे देना है और ये हमारा इंस्टॉल हो रहा है, तो बस आप थोड़ा वेट कर लीजिए। और यहाँ देखिए ओपन का ऑप्शन आया है, यहाँ पे ओपन नहीं करना है, आप सिंपली इसे बैक कर लीजिए और एंड्रॉयड APK 1.0 ऐप था उसे भी आप इंस्टॉल कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए दोस्तों ये इंस्टॉल हो रहा है, तो अभी वेट कीजिए, ओपन का ऑप्शन आएगा, ओपन कर लेना है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों रीटाइप पासवर्ड आपको मांगेगा, बस दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, 3 लाइन पे क्लिक कीजिए, 3 डॉट जो है ऊपर, ब्राउजर साइन इन कीजिए, ओके कीजिए। और दोस्तों यहाँ पे देखिए एक पेज ओपन हो जाएगा गूगल का, यहाँ पे दोस्तों आपको जो भी GMAIL ID पासवर्ड याद है उसे दे दीजिए। इस फोन में जो लॉग इन था वो नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा, जो याद है वो दे दीजिए। तो यहाँ पे मैं अपना दे रहा हूँ, हाइड कर रहा हूँ उसके लिए सॉरी, और आप अपना फटाफट GMAIL ID पासवर्ड एंटर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं पासवर्ड डाल दिया हूँ और सिंपल यहाँ पे साइन अप कर देता हूँ। ओके, और दोस्तों यहाँ पे देखिए साइन इन करने के बाद यहाँ पे आपको फिर वही पेज में आ जाएगा, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, पावर बटन प्रेस कीजिए, रिबूट कीजिए या फिर पावर ऑफ करके फिर ऑन कर लीजिए फ़ोन को, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस फ़ोन को रिबूट करना है। ओके, तो फ्रेंड्स अभी हम वेट करते हैं, फ़ोन को रिबूट होने देते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, चैनल पे आप अगर न्यू आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहता हूँ। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं पूरा ट्राई करूँगा आपका कमेंट का रिप्लाई देने का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमारा फ़ोन अभी ऑन हो रहा है, बस वेट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों हमारा फ़ोन ऑन होने को आ गया है और यहाँ पे देखिए ये वाईफाई वाले
जगह पे आ चुका, ओके डायरेक्टली MIUI 11 नहीं आया। तो दोस्तों यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है और यहाँ पे सेलेक्ट ऑल टर्म एंड कंडीशन कर लीजिए और यहाँ पे फिर नेक्स्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए फिर नेक्स्ट करना है, इंसर्ट सिम कार्ड और यहाँ पे चेक फॉर अपडेट है। तो यहाँ पे आपका 20 से 40 सेकेंड लग जाएगा, तो थोड़ा वेट कर लीजिए, ये आपका नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करता है। मेरा हल्का नेटवर्क स्लो है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों नेक्स्ट का ऑप्शन है, तो नेक्स्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे देखिए डू नॉट है, तो यहाँ पे क्लिक करना है, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे फिर आपको नेक्स्ट करना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों जो जीमेल आईडी और पासवर्ड मैं अभी एंटर किया हूँ वो जीमेल आईडी यहाँ पे लॉगिन हो चुका है, तो आपको सिंपली नेक्स्ट करना है। और पुराना वाला जो जीमेल आईडी था वो हट चुका है, और यहाँ पे देखिए दोस्तों एक्सेप्ट कर लेना है, ओके। एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए गूगल असिस्टेंस है, यहाँ पे स्किप का ऑप्शन है, जितना भी स्किप का ऑप्शन आएगा और नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा आपको प्रेस करते जाना है। तो स्किप का ऑप्शन आ रहा है तो मैं इसे प्रेस करता हूँ और यहाँ पे देखिए नो थैंक्स कर देता हूँ, ओके। और यहाँ पे देखिए दोस्तों MI अकाउंट है, ये भी ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पे भी देखिए दोस्तों स्किप का ऑप्शन आ चुका है, तो इसे भी स्किप कर देता हूँ अभी और यहाँ पे स्किप प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों फिंगरप्रिंट है, इसे भी स्किप कर देता हूँ, नेक्स्ट करते जाता हूँ और चूज अ थीम, तो यहाँ पे फ्रेंड्स डिफॉल्ट कर देता हूँ और यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे बता रहा है ये सब एप्लीकेशन चाहिए या नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए तो आप नेक्स्ट कर दीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो गया हमारा सेटअप कंप्लीट। तो यहाँ पे प्रेस करने के बाद दोस्तों यहाँ पे लोडिंग एप्स सब है, तो आपको यहाँ पे दोस्तों सिंपली वेट कर लेना है, उसके बाद फ़ोन ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे आपका न्यू आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी वेट कर लेते हैं फ़ोन ऑन होने का, उसके बाद दोस्तों और एक स्टेप बताऊँगा वो भी फॉलो कर लीजिएगा, ये आप लोग के लिए बेनिफिट होगा। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप यहां पे देख पा रहे हैं जस्ट अ सेकेंड का ऑप्शन आ चुका है, मतलब हमारा फ़ोन ऑन हो रहा है। और यहां देखिए दोस्तों हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है। तो फ्रेंड्स यहां पे अभी मैं यूज़ करके दिखा दे रहा हूं, फ़ोन में कहीं भी लॉक नहीं है, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हैं कोई भी एप्लीकेशन में जंप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्ले स्टोर मैं ओपन करता हूँ, प्ले स्टोर में दोस्तों लॉग इन है जो आईडी मैं अभी दिया था, तो ये एक स्टेप फॉलो कर लीजिएगा आप लोग के लिए बेनिफिट रहेगा। सेटिंग में जाना है और ये जीमेल आईडी जो आप लॉगिन किए थे उसे रिमूव कर देना है। इसके लिए दोस्तों अकाउंट एंड सिंस का ऑप्शन में जाना है और दोस्तों यहाँ पे गूगल आएगा, गूगल में यहाँ पे आपको 3 डॉट मिलेगा, यहाँ पे देखिए रिमूव अकाउंट का ऑप्शन है, यहाँ पे टैप कीजिए और ये देखिए रिमूव अकाउंट कर दीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका रिमूव हो चुका है गूगल अकाउंट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है फ़ोन में। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये फोन कल FRP लॉक ओपन हो चुका है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि चैनल न्यू है, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए।